तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक ब्लॉग। तो ये है मेरे पास हीरो की HF डिलक्स बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम ये है कि इसका स्पीड मीटर जो है वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि इसकी जो गरारी होती है स्पीड मीटर की, वो हर महीने 15 दिन में ख़राब हो जाती है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा हमारी जो गरारी वो बार बार ख़राब क्यों होती है और क्या करें कि गरारी जल्दी ख़राब ही ना हो मीटर की। तो उसके लिए हमने लिया, ये देखो, ये लोहे की गरारी और जो इसमें पड़ी होती है कंपनी डाल के जो देती है वो प्लास्टिक की होती है, और जो मैं इसमें डालने वाला हूँ ये है लोहे की। और ये किस बाइक की है? सुपर स्प्लेंडर। इसकी MRP आप लोग देख लो। और ये है लोहे की गरारी। और मैं इसको क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि जो हमारी प्लास्टिक की गरारी होती है वो जल्दी ख़राब हो रही है, बहुत जल्दी, 15 दिन 1 महीने में ख़राब हो जाती है। तो हमने इसमें क्या किया इस बार ये करके देख रहे हैं, क्योंकि हम इसमें जो प्लास्टिक की डाल रहे हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो रही है, और लोहे की डालेंगे तो ये जल्दी कटेगी नहीं और ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी जो गरारी में निकलते हैं 2 वाइसर, एक इसका लॉक निकल जाता है, और इसके बाद यहाँ पे हमारी 2 गरारी होंगी। यहाँ पे ये देखो, एक छोटी एक बड़ी। तो इसको फिटिंग कैसे करना है ये बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो मैं इसको फिटिंग कैसे करना है वो बता दूँ। उससे पहले जो इसकी ये जो हमारा ड्रम प्लेट है, ड्रम प्लेट को मैं पूरा खोल के बाहर निकाल लेता हूँ। तो हमने ड्रम प्लेट को खोल दिया, ये हमारी ड्रम प्लेट रखी हुई है। तो इसमें से अब निकालते हैं हम सबसे पहले इसकी गरारी। ये जो गरारी पतले पेचकस से पकड़ के आप लोगों को निकाल देना, मैंने पहिया इसका पहले ही खोल दिया था। ये देखो, ये हमारी प्लास्टिक की गरारी, ये देखो, ये प्लास्टिक की और ये लोहे की। तो हमारी प्लास्टिक की जल्दी कट जाती है, लोहे की जल्दी कटेगी नहीं। ये तो आप लोग भी जानते हो कि लोहे की जल्दी कटेगी नहीं। तो ये प्लास्टिक की बार बार ख़राब हो रही थी, 15 दिन महीने में ख़राब हो जा रही थी। तो हम इससे इस बार डालेंगे लोहे की गरारी। तो ये हमारी आराम से बैठ जाएगी हीरो की HF डिलक्स में, आराम से बिल्कुल बैठ जाएगी। सुपर स्प्लेंडर की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मैं आप लोगों को बैठा के दिखाऊंगा। अब हम दूसरी वाली गरारी निकाल लेते हैं, इसकी जो दूसरी लगी होती वो वाली गरारी भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो लगी होती इसको हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारी ये जो गरारी ये भी निकल गई। ये इसको मीटर वरम भी बोलते हैं, मीटर गरारी भी बोलते हैं। ये देखो, ये लोहे की और ये प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक वाली हमारी ख़राब हो चुकी है, लोहे वाली हम इसमें लगाएंगे और देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलेगी, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैंने कितनी बाइकों में डाला, ये प्रॉब्लम आती थी मेरे पास तो मैं यही डाल देता था और वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती थी। स्पीड मीटर गरारी की, गरारी ख़राब ही नहीं होती थी जल्दी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए इसमें लगाएंगे ग्रीस। तो पहले आप लोगों को ग्रीस लगा लेना इसमें कुछ इस तरीके से, पूरे में जितने भी हमारे गियर हैं गियर में पूरी तरीके से भर लेना है ग्रीस। अब इसको, इसके बाद इसको फिटिंग कैसे करना है, तो चलो फिटिंग करके आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक होल है ये, इसमें से हम गरारी को डालेंगे, कुछ इस तरीके से छोड़ देंगे डाल के। अब इसके बाद एक पतला पेचकस लेंगे और पतले पेचकस से इसे बैठाएंगे। खाँचे में अंदर एक होल और होता है, उसमें ये बैठेगी। ये देखना, यहाँ पे आप लोग देखना, इसे घुमा के ये बैठा दिया, ये बैठ गई और ये घूम भी रही है। और अभी इसके बाद जो हमारी प्लास्टिक वाला लॉक निकला था, ये इसे लॉक करता है, ये चीज़ उसे लॉक करता है गरारी को। तो इसको भी आप लोग उल्टा या सीधा डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें उल्टा सीधा होता नहीं है, इसे चाहे जैसे डाल के। और इसके ऊपर आप लोगों को एक पतल, ये देखो टी मैंने ली है, ये इसके अंदर 8 की टी है, इसको रख के और हल्का सा पंच कर देना है, हल्का सा इस पर मार देना है चोट, ये बैठ जाएगा, लॉक हो जाएगा। और ये हमारा साइज से बैठ चुका है, ये बैठ गया। और अभी इसकी गरारी ये देखो अंदर बाहर नहीं करेगी, ये चेक कर लेना, ये देखो लॉक हो गई है। और इसे घुमा के देखना, बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे घूमना चाहिए, ये वाली गरारी घूमना भी चाहिए लॉक करने के बाद। ये देखो घूम रही है। और अब इसका जो ऊपर वाली गरारी है उससे फिटिंग करते हैं। उससे पहले यहाँ पे 2 वाइसर हमको मिल जाते हैं, तो अभी क्या करेंगे, हम इसमें एक ही वाइसर डालेंगे, क्योंकि एक वाइसर इसमें लगा हुआ है पहले से। तो अभी एक ही वाइसर डाल देंगे इसमें, सिर्फ ये लग चुका है। और अब इसमें भी ग्रीस लगाएंगे, जो हमारा वरम है दूसरा वाला, इसमें भी ग्रीस लगाएंगे, जितने गियर दिख रहे हैं गियर में पूरे में ग्रीस लगा लेंगे। और फिर इसके बाद इसको फिटिंग करते हैं। तो पहले ग्रीस लगा लेना है आप लोगों को, क्योंकि ये हमारा जो नया स्पीड मीटर वरम है, तो इसमें अभी ग्रीस जो है वो लगी हुई है नहीं, तो हमको लगाना पड़ता है ग्रीस। तो ग्रीस भी हमारी लगेगी, तो ग्रीस लगा लेते हैं। और इसके बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग करना है, ये इस तरीके से फिटिंग करके इसको अब बैठा के घुमा के देखना है, ये घूम रहा है या नहीं, जो हमारे दोनों गियर हैं वो अब घूम रहे हैं या नहीं। तो पतला पेचकस लेंगे और घुमा के देखेंगे, देखो अभी टाइट चल रहा है। तो अभी इसको क्या करेंगे, हम पतला पेचकस से घुमा के देखेंगे घूम रहा है या नहीं। ये देखो घूम रहा है, तो हमारा जो गरारी है वो प्रॉपर काम कर रही है, ये देखो
कभी कभी क्या होता है ये जाम हो जाती है, घूमती नहीं है, तो वापस से इसमें वाइसर वगैरह लगा के कर किया जाता है, बट हमने कुछ नहीं किया, फिटिंग कर दिया। तो चलो अब पहिया को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा पहिया कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आप लोगों को इसकी ब्रेक वगैरह तो लगा ही दिया हूँ मैंने, इसकी स्पीड मीटर केबल नहीं लगाई है, तो केबल लगा देते हैं। केबल लगा देते हैं उसके बाद इसका स्पीड मीटर आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो इसमें चल ही नहीं रहा था, अभी तो हमने इसका पहिया घुमा रहे हैं, पहिया घुमाते हैं और इसका स्पीड मीटर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखो स्पीड मीटर 10 के ऊपर चला गया, इसको ये देखो 20 तक चला गया क्योंकि ये घुमा रहे, तो अभी हमारा 20 तक स्पीड मीटर चला गया। तो हमारा स्पीड मीटर की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है, पहले इसमें स्पीड मीटर ही नहीं चल रहा था, बंद था स्पीड मीटर। तो हमने किस तरीके से इसे सही किया सारी जानकारी आप लोगों को मैंने दी, तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपना बंद स्पीड मीटर जो है वो चालू कर सकते हो। अगर गरारी की प्रॉब्लम है तो, केबल की प्रॉब्लम है तो केबल चेंज करो, बाकी आप लोगों को एक बार लोहे की गरारी डलवा के देख लेना। अगर आप लोग प्लास्टिक की गरारी से परेशान हो तो आप लोगों को एक बार लोहे की गरारी डालना बहुत ज़रूरी है, डाल के देख लो, जो आपकी प्रॉब्लम है गरारी की वो ख़त्म हो जाएगी, बार बार जो ख़राब हो रही थी वो उससे आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। तो ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह की नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।